हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अमन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों मेरे पास ये 44-40 का बोर्ड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर बिना बार स्टेबल वॉल्यूम लगाए यहाँ पर इसको ऑपरेट करना सीखेंगे। दोस्तों क्या होता है कि इसमें दोस्तों हम बार स्टेबल वॉल्यूम की कनेक्शन नहीं करना चाहते, इसको आप वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस 44-40 बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बट आपको दोस्तों एक सिंपल तरीका है दोस्तों आप जिसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। दोस्तों क्या करना है आपको, सिंपल ही दोस्तों यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं वहाँ पर हमें सप्लाई दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ जहाँ पर हम स्पीकर का कनेक्शन करते हैं सेम टू सेम वहीं पर ही कनेक्शन रहने देना है, उस पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये उल्टी आईसी लगी होती है, इधर से दोस्तों हमें गिनना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर इसी से इधर से ही हमें गिनेंगे, दोस्तों इधर से हमारी सीधी आईसी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे एक तो ये जो दूसरे नंबर का पिन होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो दूसरे नंबर का पिन होता है दोस्तों, ये हमारा आईडोइन का होता है। दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें ही सिर्फ हमें डायरेक्ट आईडोइन देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आईडोइन का एक वायर यहाँ पर लगा देना है, उसका जो आईडोइन का दोस्तों ग्राउंड वाला वायर हमें ग्राउंड में सिंपली लगा देना है। दोस्तों यहाँ पर हमें ग्राउंड में ही लगा देना होगा, और दोस्तों आईडोइन का एक वायर जो आईडियो का होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पिन में लगा देना है। और दोस्तों स्पीकर का भी दोस्तों कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, और सिंपली दोस्तों आपको सप्लाई दे देना है जहाँ पर हमें सप्लाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों इसे कोई मतलब नहीं रहा बार स्टेबल वॉल्यूम से। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको इसको ऑपरेट भी करके दिखाऊंगा इस तरीके से। दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं आप सबको इसमें ऑपरेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।